नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। लोकतंत्र देख रहे हैं आप। पांच राज्यों के चुनाव के बाद एक तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। बीजेपी पूरे तरीके से चुनावी मोड में आ चुकी है। सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने सियासी समीकरण सेट करने शुरू कर दिए हैं। तीन हिंदी भाषी राज्यों में जबरदस्त जीत से उत्साहित बीजेपी के दो चाणक्य शाह और नड्डा मिशन बंगाल पर हैं। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 35 से ज्यादा सीटों का लक्ष्य रखा है और इसकी रणनीति बनाने के लिए शाह और नड्डा की जोड़ी दो दिन से बंगाल में है। लेकिन विपक्षी गठबंधन की तैयारी अभी सुस्त चल रही है। अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय नहीं हो पाया है, बल्कि आपसी विवाद भी रह रहकर सामने आ ही जाता है। और इस बीच एक सर्वे ने बीजेपी का जोश दोगुना कर दिया है। सर्वे में एनडीए भारी बहुमत के साथ तीसरी बार केंद्र की सत्ता में काबिज होते हुए दिखाई दे रहा है। विपक्षी गठबंधन इंडिया उसके आसपास भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 में जुट चुकी है। पार्टी के दिग्गज नेता एक्शन मोड में हैं। बैठकों का दौर चल रहा है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल में हैं। अमित शाह और नड्डा अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी की तैयारियों का आकलन करने के लिए बंगाल गए हैं। पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी का किला माना जाता है। हाल ही के वर्षों में राज्य पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस बढ़ा है। खास तौर से अमित शाह को इस राज्य में पार्टी के लिए बहुत संभावना दिखाई दे रही है। पिछले लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने राज्य की कुल 42 में से 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी की कोशिश होगी कि आगामी लोकसभा चुनाव में वो इस आंकड़े को पार कर जाए। बंगाल में शाह और नड्डा की दिलचस्पी को सी वोटर के सर्वे से भी समझा जा सकता है। सर्वे में ज्यादातर लोगों ने माना है कि बंगाल में बीजेपी ममता बनर्जी को चुनौती देने में कामयाब होगी। दरअसल 2024 में बीजेपी की अगुवाई में एनडीए और कांग्रेस के साथ वाले इंडिया अलायंस की मुख्य टक्कर होनी है। हालांकि हर किसी के मन में एक सवाल है, एनडीए या इंडिया अलायंस, दोनों में कौन जीतेगा। इसे लेकर सी वोटर के सर्वे में एनडीए भारी बहुमत के साथ तीसरी बार केंद्र की सत्ता में काबिज होता दिखाई दे रहा है। विपक्षी गठबंधन इंडिया उसके आसपास भी नहीं है। सर्वे में उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखाई गई है, लेकिन दक्षिण भारत में उसे झटका लगते दिख रहा है। सर्वे के अनुसार बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए 295 से 335 सीट पा सकता है। विपक्षी गठबंधन इंडिया को 165 से 205 सीट मिलने के आसार हैं। सर्वे से बीजेपी उत्साहित है। 2024 में जीत तय करने के लिए बीजेपी ने हर एक संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव ऑफिस खोलने का फैसला किया है। पार्टी ने सभी प्रदेश अध्यक्षों को इसका निर्देश भी दिया है। प्रदेश अध्यक्षों को 30 जनवरी से पहले पार्टी ऑफिस खोलने का निर्देश मिला है। अभी तक उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद उम्मीदवार लोकसभा क्षेत्र में चुनाव ऑफिस खोलते थे। बीजेपी ने प्रदेश संगठनों को कहा है कि लोकसभा चुनाव की तारीख हो और पार्टी के उम्मीदवारों के नाम का इंतजार किए बिना सभी लोकसभा में पार्टी के चुनाव कार्यालय खोले जाएं। सभी लोकसभा क्षेत्र में खुलने वाले ये बीजेपी के चुनाव ऑफिस उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के पहले ही काम करना शुरू कर देंगे और चुनाव प्रचार सामग्री समेत उस संसदीय क्षेत्र की चुनावी तैयारियों, बैठकों और सभी गतिविधियों का केंद्र होंगे। इससे पहले बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की दो दिन की बैठक में 10% वोट शेयर बढ़ाने यानी ओवरऑल 50% मत पाने और बहुत बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जीतने का लक्ष्य रखा गया है। पार्टी का फोकस नए वोटर्स पर रहेगा। नए मतदाताओं को लेकर सम्मेलनों की शुरुआत 24 जनवरी से युवा मोर्चा करेगा।
बीजेपी युवा मोर्चा पूरे देश में 5000 सम्मेलन करेगा। नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए देश भर में बीजेपी यूथ आउटरीच चलाएगी। वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए जल्द ही कई तरह के कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी नेतृत्व ने एक परिवार एक टिकट के फॉर्मूले को स्थायी नीति बनाने का फैसला किया है। साथ ही पीढ़ी परिवर्तन के लिए बीजेपी नेतृत्व ने लोकसभा चुनाव के लिए व्यापक रणनीति बनाई है। पार्टी की योजना इसके सहारे वंशवाद पर प्रहार करने के साथ नए चेहरों को अवसर देकर नया नेतृत्व उभारने की है। तय किया गया है कि दो बार चुनाव लड़ चुके नेताओं को उसी स्थिति में टिकट दिया जाए जब संबंधित नेता का उस संसदीय क्षेत्र में विकल्प नहीं हो, या सामाजिक समीकरण की दृष्टि से संबंधित नेता को टिकट दिए जाने के अलावा कोई विकल्प ना हो। संघ सूत्रों का कहना है कि जाति की राजनीति की काट के लिए हर वर्ग से नेतृत्व उभारने की जरूरत है। संघ नहीं चाहता कि केंद्र और राज्यों में पार्टी के सामने नेतृत्व के स्तर पर शून्य का संकट हो। संघ की इच्छा हर वर्ग से नेताओं की एक श्रृंखला तैयार करने की है जिसका अलग अलग समय में जाति की राजनीति की काट के लिए इस्तेमाल किया जा सके। ये तभी संभव होगा जब पार्टी नेतृत्व पीढ़ी परिवर्तन के लिए सख्त रुख अपनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट APN। तो मिशन 2024 की तैयारियों में जुट चुकी हैं सभी पार्टियां। किसकी कैसी तैयारी, और इस बार 2024 का मंच सजकर तैयार हो रहा है, लेकिन अब की बार किसकी सरकार, इसी को लेकर करेंगे लोकतंत्र में हम चर्चा। चर्चा करने के लिए कई विशेष अतिथि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अश्वनी शाही जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत आपका शाही जी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता प्रखर सिंह भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत प्रखर जी। हमारे साथ सपा के प्रवक्ता महेश आर्य जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत। और TMC के प्रवक्ता राम प्रकाश पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत राम प्रकाश जी। शाही जी, पांच राज्यों के चुनाव के बाद एक तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। बीजेपी पूरे तरीके से चुनावी मोड में आ गई है। सर्वे में भी आप बहुमत के साथ तीसरी बार केंद्र की सत्ता में काबिज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। किस तरह की तैयारी और जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? सर्वे के लिए आपने जो बताया, देश की जनता का आशीर्वाद है ये, जो भारतीय जनता पार्टी को और देश के मजबूत नेतृत्व को मिलने जा रहा है तीसरी बार। ये एक इतिहास होगा, शायद जवाहरलाल नेहरू जी के बाद लगातार कोई तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं रहा, तीसरी लगातार सरकार नहीं रही। ये भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत नेतृत्व, एक अच्छी नीतियां, इसका परिणाम है जो हम जनता के पास हर चीजों को लेकर अपने जाते हैं जो उनके फायदे के लिए है, तो जन कल्याणकारी है। देश में इतने दिनों तक लगभग 56 साल तक कांग्रेस सरकार में रही, बाकी दल और भी रहे, मगर आज तक मूलभूत आवश्यकताओं पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। शौचालय बनवाने का कोई मतलब नहीं था, कितनी पीड़ा थी उस माताओं बहनों को, घर की पीड़ा नहीं थी किसी के पास। लोगों को कोरोना आया, इतना बड़ा वो हुआ, उसमें देखिए किस तरीके से आर्थिक पैकेज देकर जो छोटे लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया गया, रोजगार सृजन का काम किया गया। आज इंफ्रास्ट्रक्चर में हम टॉप पे खड़े हैं, दूसरे नंबर पर। आज किस तरीके से हर चतुर्दिक, मेरा ये कहने का मतलब था कि हम चतुर्दिक काम कर रहे हैं, राशन कोरोना से लेकर आज तक देखिए अगले 5 साल तक हमारी कैबिनेट ने दिया, पिछली सरकारों ने तो एक दिन के लिए राशन देने का वो नहीं किया, शरद पवार जी ने मना कर दिया था। तो उन नीतियों को देखते हुए जनता ने आशीर्वाद के रूप में माननीय मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का जिम्मा लिया है, और ये उनकी बात है, उसमें हमको सहायता उनको करनी है, अपने पन्ना प्रमुखों से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा कि उनके तक हमारी नीतियां जो पहुंचे। चलिए, बड़े आश्वस्त हैं आप जीत को लेकर, लेकिन अभी हाल ही में इस तरह के जो सर्वे थे वो विधानसभा चुनावों में
कांग्रेस के लिए भी नजर आ रहे थे कि कांग्रेस हर राज्य में जीतती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो सर्वे हैं वो इसके विपरीत हुए, बीजेपी को जीत मिली और अब जो सर्वे आ रहे हैं उसमें लोकसभा चुनाव में एनडीए को जीत मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि जो सर्वे में है ऐसा ना हो, इसका जवाब मैं प्रखर जी से लेना चाहूंगी। प्रखर जी, सर्वे की बात करें तो देखिए ऐसे ही 2004 में इंडिया शाइनिंग हो रहा था और क्या रिजल्ट आया आप हम सबको मालूम है। मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी और एक बेहतरीन प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला, जिसने 10 साल तक इतने बेहतरीन काम किए। जब पूरे देश, पूरे विश्व में मंदी फैली हुई थी तो हमारा देश आगे बढ़ रहा था। लाखों करोड़ रुपए हम लोग ने किसानों के माफ किए थे, जिन्होंने अपने उद्योगपति दोस्तों के माफ कर दिए। दूसरी चीज, अभी चुनाव आने वाला है, कुछ दिनों में चुनाव आ जाएगा। देखिए इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ने जा रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस पार्टी का अपना संगठन है और अगर इन चार राज्यों की बात भी कर लिया जाए तो वोट शेयर में हम बीजेपी पार्टी से हमको ज्यादा मिला हुआ है। और जैसे पंजाब में बीजेपी का अस्तित्व नहीं है, साउथ में बीजेपी है नहीं, तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर इंडिया गठबंधन इतना मजबूत है और उसका वोट शेयर इतना ज्यादा है कि बीजेपी वहां पर मुझे लगता है ज्यादा सीट नहीं जीत पाएगी। तो देखिए ये और ये लोग जुमलेबाजों की सरकार है, देश का कर्जा इन्होंने 205 लाख करोड़ पहुंचा दिया है और सवाल हमसे पूछते हैं, ये इनके काम है? बेरोजगारी दर मैक्सिमम 10.84 पर है और ये सवाल हमसे पूछते हैं? अभी राजस्थान में बोल के आए कि 450 रुपए का सिलेंडर देंगे, सरकार बन चुकी है, कब देंगे पता नहीं, जुमलेबाजों की सरकार है। ऐसे ही इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे 2014 में, लोगों ने कहा चलो अच्छा 5 साल में क्या कर सकते हैं, अब तो 10वां साल होने वाला है। जनता देख चुकी है, चरम पर है बेरोजगारी, चरम पर है महंगाई और जनता इनसे सवाल अब किए पूछती है और इनको दंड देगी इस चुनाव में। और इंडिया गठबंधन के आगे बीजेपी कहीं स्टैंड करने वाली? ठीक है, इंडिया गठबंधन के आगे बीजेपी यानी कि एनडीए कहीं स्टैंड करने वाला नहीं है, लेकिन गठबंधन में भी तो एकता कहीं ना कहीं नजर आनी चाहिए प्रखर सिंह जी, क्योंकि राम प्रकाश पांडे जी गठबंधन की पिछली बैठक में ममता बनर्जी ने पीएम फेस को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे को उम्मीदवार घोषित करने को लेकर चर्चा की थी। नीतीश कुमार तो नाम सुन के प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में भी उसके बाद शामिल नहीं हुए, तो कैसे चलेगा इस तरीके से गठबंधन? अभी तो सिर्फ एक नाम का ही जिक्र किया गया था। देखिए उन्होंने नाम दिया, मेरा सवाल सर राम प्रकाश पांडे जी से है। देखिए हमारी ममता बनर्जी, हमारी सुप्रीमो ने एक नाम लिया और सहमति बननी है, उसे बनेगी ही, जहां होगी जिनकी कुछ आपत्ति है उसको बैठ के सुलझाएंगे हम सारे भी दल कि भाई क्या है, उनकी सुनेंगे, क्योंकि हमारे इस गठबंधन में लोकतंत्र है। नितिन जी की क्या बात होगी सुनेंगे, उस पर विचार विमर्श करके उनको बताया जाएगा कि भाई ये है, इस तरह से है। और खड़गे जी ने तो साफ कह दिया है कि प्रधानमंत्री का कोई बात नहीं है, पहले तो हम जीत के आए, हमारा लक्ष्य जीतना है, तो पहले हम जीत के आएंगे उसके बाद हम तय करेंगे कि आगे क्या क्या है। अच्छा एक चीज ये भी बताइए राम प्रकाश पांडे जी, बंगाल में आप लोग काफी मजबूत हैं लेकिन लोकसभा में माहौल दूसरा होगा, ऊपर से अगर गठबंधन के साथ जाएंगे तो अपनी सीटें भी आपको कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेंगी, उसके लिए आप तैयार हैं क्या? देखिए वो तो होगा ही ना, जब गठबंधन में जाएंगे तो हम लोकसभा में गठबंधन में जा रहे हैं तो विधानसभा में भी हम उसी तरह से अपने तालमेल में लेके आगे चलेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो गठबंधन हुआ है वो तो सिर्फ लोकसभा के लिए है, विधानसभा के लिए तो था ही नहीं। अगर विधानसभा के लिए होता तो अखिलेश भैया को किस तरीके से मध्य प्रदेश में भगाया वो तो सभी ने देखा, गठबंधन हो ही नहीं पाया मध्य प्रदेश के भीतर सपा और कांग्रेस का, सीटें दी ही नहीं। ये सब जो बातें हैं, यही सब तो बातें कि अभी बैठक जो हो रही है कि इस तरह से आगे कोई इस तरह से तो अब तक मतलब बैठकें चलती रहेंगी, अब तो 5 राज्यों का चुनाव भी हो गया, उनके नतीजे भी घोषित हो गए, आप कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव जो होंगे कब होंगे उसमें इसी तरीके से सीटें देनी पड़ेंगी, जो 5 राज्यों में चुनाव हुए तो उसमें क्यों इस तरीके से सीटों का बंटवारा नहीं हुआ? देखिए सीटों को बंटवारा ठीक है, उस समय इस तरह से कोई भी तालमेल नहीं था, विधानसभा अपनी अपनी तौर तरीके से लड़ने जा रहे थे, किंतु अभी ये आया है तो सर्वदल ने बैठ के कोई तय किया है, उस तय के हिसाब से आगे चला जाएगा। अच्छा लेकिन एक चीज ये भी तो बताइए ना राम प्रकाश पांडे जी,
बंगाल के लोगों का समर्थन ममता दीदी को है, पार्टी को नहीं है। सीट बंटवारे के बाद वो जन समर्थन शिफ्ट हो पाएगा? देखिए, ममता बनर्जी को समर्थन अगर देश के लोग है तो पार्टी का समर्थन, क्योंकि टीएमसी पार्टी ममता बनर्जी की पार्टी है और उन्हीं की जन्म दी हुई ये पार्टी है। तो ये दो चीजें नहीं है, ये एक ही चीज है। ये अलग बांट के रखने से कोई मूर्खता है। टीएमसी का मतलब ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी है उन्हीं। चलिए ठीक है, कई और चीजें हैं जिन पर हम यहाँ पर चर्चा करना चाहेंगे। और काफी देर से महेश आर्य जी भी बैठे हुए हैं, उनका अभी तक नंबर नहीं आया है कि उनसे हम चर्चा कर पाए। महेश आर्य जी, दिल्ली दरबार का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। अकेले यूपी में 80 लोकसभा की सीटें हैं। हाल ही में हुए 5 राज्यों में चुनाव में बीजेपी राम और हिंदुत्व के नाम पर 3 राज्य जीतने में कामयाब रही, लेकिन हिंदुत्व की ताकत शायद सपा अभी भी समझ नहीं पाई है। तभी स्वामी प्रसाद कह रहे हैं कि हिंदू धर्म धोखा है। सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। महेश आर्य जी, लगता है म्यूट किया हुआ है आपने, अनम्यूट कीजिए। महेश आर्य जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, सुन रहा हूँ जी। आपकी आवाज भी आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही जी। तो आपने फिर से आवाज चली गई सर आपकी। चलिए ठीक है, मैं वापस आऊंगी महेश आर्य जी आपके पास। लेकिन शाही जी मुस्कुरा रहे थे जब राम प्रकाश पांडे जी बोल रहे थे, कुछ कहना चाहते थे शायद आप? देखिए, मैं 2-3 बातें प्रमुख रूप से थी। एक तो विपक्ष के द्वारा जो देश में नेगेटिव नैरेटिव फैलाया जा रहा था, मैं पहले इसको बोलना चाह रहा था, उसको भी हम अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा दूर करने का काम कर रहे हैं, तब ये सर्वे का आदेश आया। और दूसरा, जो आपने सर्वे की बात कहा, ये आपसे मैं कह रहा हूँ कि कोई भी सर्वे दिखाइए, कहीं भी कांग्रेस को जीत नहीं दिखाई जा रही थी, लड़ाई दिखाई जा रही थी, मजबूत लड़ाई, नेक टू नेक फाइट दिखाई जा रही थी। लेकिन हम लोग आश्वस्त थे कि इन लोगों ने जो किया है उसका फल जनता इनको दी। और मैं अपने कांग्रेस के मित्र को बताना चाहता हूँ, अभी फोन कर्ज माफी की बात की, याद है राहुल गांधी जी ने 1 से 10 तक गिनती गिना और आपने राजस्थान में लोगों के आरती भिजवा दिया उसी लोन के लिए। और जो लोन की बात आप कर रहे थे कि अपने हम मित्रों को देते हैं, हमने नहीं दिया। फोन पे लोन कांग्रेस के 2004 से लेकर और 14 के बीच में लिया, जो लोग भागे हैं देश छोड़ के, फोन पे लोन मिलता था। और ये कई लोगों ने कहा है, इन चीजों का भी ध्यान देना चाहिए। दूसरा, हिंदुस्तान में आज देखिए किस तरीके से महेश जी की आवाज नहीं आई, लेकिन महेश जी की पार्टी का चरित्र देखिए, किस तरीके से रामचरितमानस को गाली दिया स्वामी प्रसाद मौर्य ने, उनको महासचिव बना दिया, राष्ट्रीय महिमा मंडित किया गया, बार बार वो गाली दे रहे हैं, यानी कि अखिलेश जी उनसे गाली दिलवा रहे हैं। ये सोची समझी साजिश है। आज राम जी का भव्य मंदिर जो बन रहा है, ये किसी को पच नहीं रहा है, क्योंकि यज्ञ होता था विश्वामित्र जी के यहाँ तो मारीच और सुबाहु बहुत थे, उस टाइप से ही मारीच और सुबाहु जो है कांग्रेस और अन्य समाजवादी पार्टी और उसके बीच में आए, लेकिन उसके बाद सबको रौंदते हुए राम जी ने अपना जो है वनवास भी पूरा किया, रावण का वध भी किया, सीता जी को वापस भी लाए और आज भव्य मंदिर में वो स्थापित होने जा रहे हैं। यही लोग तो तारीख पूछते थे, एजेंडे में हमारे था, 4 सरकारें हमने गंवाई। आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहते हैं हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, जिस तरीके से दक्षिण भारत में जिस तरीके से इरेडिकेशन ऑफ सनातन होता है, कोई जवाब नहीं देती है ना कांग्रेस ना समाजवादी पार्टी, क्या इन लोगों का वो है। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस से तो समझ में आता है कि कपिल सिब्बल साहब ने जाकर जो है हलफनामा दिया और राम को मानने से इनकार कर दिया, इन लोगों ने कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर जहांगीर खान के बेटे हैं फिरोज खान, फिरोज गांधी जो भी लिखते थे, फिरोज गांधी के राजीव गांधी, ईसाई से शादी होती है इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी पैदा होते हैं, इंदिरा गांधी शाही जी करेंगे तो आज राहुल गांधी कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, पड़ जाएगी शाही जी, शाही जी छोड़िए, ये विषय छोड़िए, जिस विषय पर है उस विषय पर रहिए। हिंदू विरोध करना है
शाही जी जिस विषय पर है उस विषय पर रहिए, ठीक है। महेश आर्य जी को आवाज मिल रही है शायद, महेश जी आपको आवाज मिल पा रही है? ठीक है सर, मैंने आपसे सवाल किया था उसका जवाब दे दीजिए। हाँ देखिए रेशु जी, मैंने सभी प्रवक्ताओं को सुना और आपको समय देने के लिए धन्यवाद जी। देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हो जाता है पार्टी का बेटा हिंदू कहने पर, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या बोलेंगे इस तरीके से धरे के खड़ा कर रहे हैं। शाही जी रुक जाइए, प्रखर जी आप भी एक सेकंड। देखिए इतनी देर बाद महेश आर्य जी का नंबर आया है, उनको आवाज नहीं मिल पा रही थी, हमें उनकी आवाज नहीं मिल पा रही थी, अब उनको बोलने दीजिए। बहुत देर बाद उनका नंबर आया है वैसे भी जी। देखिए रेशु जी कुछ दुर्भाग्य नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, अब हमारे साथी लोग नहीं बोलना सुनना चाहते हैं। नहीं नहीं सर, आपकी आवाज यहाँ कोई नहीं रोकेगा, आप बोलिए। देखिए समाजवादी पार्टी के विषय में जिस तरीके से लोगों की मानसिकता है अरे तो खड़ा किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी महापुरुषों के मूवमेंट पर आधारित सामाजिक न्याय को लेकर के चलने वाली पार्टी है। सभी जाति धर्म मजहब का सम्मान करती है। एक किसी एक धर्म विशेष का अगर सम्मान करे, दूसरे का खराब करे, दूसरे को खराब बताए, विरोध करे, अपमान करे, तो ये भी धर्म की वो सम्मान नहीं होता। ये अपने ही धर्म का अपमान होता है कि अगर दूसरे को नीचा बताए, छोटा बताए, कमतर बताए। अच्छा ये बताइए ना महेश जी, आप भी हिंदू धर्म से ही आते हैं है ना, तो आप ये बताइए कि स्वामी प्रसाद ने जिस तरीके से कहा कि हिंदू धर्म धोखा है, आप किस तरीके से सोचते हैं इसको, ये बता दीजिए आप मुझे। बाकी लोगों को छोड़िए, समाजवादी पार्टी ने कई बार इस विषय को लेकर के अपना पक्ष रखा है कि समाजवादी का विचार उनके विचार से भिन्न है और उनका व्यक्तिगत विचार है, उसको लेकर के विषय नहीं हो सकता है। इससे ये व्यक्तिगत विचार कैसे हो सकता है, कितना हो सकता है जब आप पार्टी के किसी पद पर हैं, तो ये व्यक्तिगत विचार कैसे हो सकता है, ये बता दीजिए। जब हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से बोल दिया कि समाजवादी पार्टी सभी धर्म, अरे वो हिंदुओं का अपमान करते हैं, आप लोग इसी तरीके से उनका प्रमोशन करेंगे। जब पहली बार उन्होंने अपमान किया उसके बाद आपने प्रमोशन कर दिया, तो उनको उनको उनके तो हौसले बढ़ेंगे ना, उनको लगा होगा कि एक बार फिर से अपमान कर दीजिए और तगड़ा प्रमोशन हो जाएगा, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। शालीनता के साथ अगर सुनेंगे तो मैं समझता हूँ उसका समाधान जी। तो उन्होंने कहा, जहाँ तक मेरी जानकारी है, हम भी उनके विचार से सहमत हैं, हमारी पार्टी उनके विचार से सहमत है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ आपके मंच के माध्यम से कि हमारा संविधान सबको और व्यक्ति की आजादी देता है। उन्होंने अगर कोई व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा किया है तो उसको लेकर के ये विपक्ष का विषय है, उनकी जिज्ञासा को शांत नहीं कर सकते। अगर आपके पास उसमें बड़े प्रचंड विद्वान है, तो बड़े बड़े जो मठाधीश है, बड़े बड़े शंकराचार्य है, आज तक उनको उनके शब्दों में उनके हिसाब से वो जिज्ञासा को पूरी करने की बजाय, बहस करने की बजाय, कभी कोई उनको मुद्दा बताता है, कोई आतंकवादी बताने लगता है, कोई सर कलम की बात करता है। ये सनातन तो इजाजत नहीं देता, साधु संतों की भाषा नहीं हो सकती। ये उनको बार बार हम कहना चाहते हैं, उनको आप बुला करके मीडिया के माध्यम से, नहीं तो वो कॉकटेल होता है आज तक का, उसमें भी वो आए पांच जो पत्रकार थे उनके बीच में भी उन्होंने अपना पक्ष रखा, उनके सवाल का जवाब उनको दे दीजिए, अपने आप खत्म हो जाएगा। पार्टी को उसमें लाने की जरूरत इसलिए नहीं है कि पार्टी ने शुरू से बोल दिया कि हमारी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, जातियों का सम्मान करती है, ये तो हो गया एक विषय। अब 2024 को जिसको लेके विषय को आपने विषय रखा, चलिए ठीक है, आपने कुल मिलाकर जो भी मैंने सवाल आपसे पूछे आपने गोल गोल घुमा दिए, और जाहिर सी बात है कि आप पार्टी के प्रवक्ता के रूप में यहाँ पर बैठे हैं, तो अगर जी रेशु जी तो अलग आप विषयांतर कर रहे हैं, इसलिए मैंने उनका वही जवाब देते हुए कह रहा हूँ, आज भी हर चीज में विमर्श के लिए जरूरत है और उसमें सुधार की गुंजाइश होती है। अगर जिस दिन सनातन में हिंदू में अगर ठीक है सर, तो लोकसभा चुनाव आ रहा है और इस तरीके से हिंदुओं को अपमानित करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य, तो कैसे चलेगा? आप बोलिए ना फिर, उनको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि हर हिंदू धर्म, हर व्यक्ति जो हिंदू धर्म को मानता है, सीधे सीधे आघात पहुंचा है उनकी भावनाओं को। चुनाव को अपनी नीतियों के, अपने विकास के आधार पर चुनाव में जाए, ये नहीं जा सकते। मैं चुनौती इस बात की, पहले से नरेटिव खड़ा करा के कुछ पैड जो है मीडिया को खरीद के वो अपने पक्ष में इस तरीके से वो ओपिनियन पोल करा रहे हैं। किस तरह की भाषा का आप लोग इस्तेमाल करते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। खरीद के कोई कैसे खरीद सकता है भला, जरा इंडिया का कोई कैसे खरीद सकता है? शुरू दिन से लेकर के अब तक निगेटिव उसके लिए नरेटिव खड़ा किया जा रहा है। इंडिया गठबंधन कहाँ कहाँ से पढ़ के आते हैं सर? महेश आर्य जी कहाँ से पढ़ के आते हैं? ये कहाँ से क्लासेस मिलती हैं आपको? मुझे ये समझ में नहीं आता। जी मैं आपके माध्यम से पूछ लीजिए, हमारे भाई बैठे हुए हैं,
कि इनके पास 38 दल है, हमारे पास 28 दल है, इनकी कौन कौन सी सीटें किस दल को दी जा रही है ये हमको बता दें। रही बात ये गाली गलौज करने की, तो अरे जनता को तो किसी ने नहीं खरीदा ना सर, जनता को तो कोई नहीं खरीद सकता ना, ये तो जनता जनता का अपना मत है, उसका अधिकार है कि वो कहाँ जाती है, किसको वोट डालती है। आप लोग जनता के बीच जाते नहीं है, जनता के बीच अगर पहुंचते तो इस तरीके से तो हार का सामना नहीं करना पड़ता ना सर। 2022 में हमने वोट पाया, वोट शेयर कोई ऐसे पा गया, जनता के बीच में गए बिना हमको वोट मिल गया। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी विपक्षी पार्टी हम है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इनका अपमान बोल रहा है, इनका प्राउड बोल रहा है, इन्होंने जनता का अपमान किया है। अरे मध्य प्रदेश में भी तो गए थे सर, वहाँ पर क्या कितनी सीटें आपने निकाली, कितनी सीटें निकाली। खैर शाही जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, शाही जी प्रदेश के हालात आपको पता है, वहाँ इंडिया नहीं लड़ पाया, कुछ कारण ऐसे थे जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी ने नहीं लड़ पाया। और ये वो रही बात लड़ने की, ठीक है महेश आर्य जी, आपको देर से मौका मिला, अब इसका मतलब ये तो नहीं ना सर कि सारा समय आप ही ले लेंगे। महेश आर्य जी दूसरों को भी बोलने दीजिए, ठीक है सर, इंडिया जिताओ, उत्तर प्रदेश से लाओ, ठीक है सर, आगे भी सुनेंगे आपको। शाही जी देखिए, अभिमान इसको नहीं कहते हैं, ये तो जनता का जवाब था इनको। अभिमान उसको कहते हैं जब चुनाव अभी 2022 के नहीं हुए थे। रेतु जी, तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ, अखिलेश जी कहा करते थे, खुद स्वयं अखिलेश जी के बयान आते हैं कि आने दो सरकार, ब्याज समेत वापस किया जाएगा। अभिमान इसको कहते हैं कि भाई जो अगर भारतीय जनता पार्टी से कुछ हो सकता है कि कुछ कार्यकर्ताओं से गलती हो गई हो, किसी का बयान हो, तो अब हम स्वामी प्रसाद मौर्य जी को कहें कि ब्याज समेत वापस करेंगे हमारी सरकार, ये अभिमान है। हम ये कह रहे हैं कि वो आप उनको महिमा मंडन करने के बजाय आप निकाल दीजिए। अखिलेश जी का एक बयान नहीं आया कहीं, कहीं भी कोई बयान नहीं आया कि अखिलेश जी के वो हमारे जो है पार्टी के लाइन से हटकर हैं, हम उनको अधिकृत नहीं कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ हैं और उनको बोलने दीजिए, हम पार्टी उससे हटती है, निंदा करती है उसकी, कह दीजिए ना भाई। जब हिंदुओं का अपमान, देखिए गौमूत्र कहा जाता है आपके इंडिया अलायंस के लोगों के द्वारा कि गौमूत्र प्रदेश, हम और आप महेश जी गौमूत्र प्रदेश के हैं। अभी कुछ दिन पहले सनातन को खत्म करने की बात कही गई, आपने सुना, धैर्य से सुना, उन लोगों ने माफी नहीं मांगा और हमारे कांग्रेस के भाई आक्रोशित हो रहे थे। मैं कहना चाहता हूँ संजय निषाद जी ने माफी मांग लिया, लेकिन स्टालिन के बेटे ने माफी मांगने से मना कर दिया था, रेतु जी आपको भी पता होगा, और अभी तक कोई माफी कहीं नहीं आई है। आप यही ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए अलायंस के दलों में, जनता इसी को देखती है और जनता ने जो अभी हमने जो 50% का अपना लक्ष्य बनाया है। ठीक है, मैं शाही जी आपके पास आऊंगी, लेकिन एक प्रतिक्रिया यहाँ पर राम प्रकाश पांडे जी से भी ले लेते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव की मेरे ऊपर किया है सर। सर मैं आऊंगी, सर मैं आऊंगी, हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक लेना है, इसलिए पहले राम प्रकाश पांडे जी से मैं जरा थोड़ा चर्चा कर लेती हूँ, क्योंकि लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं और ऐसे में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। अमित शाह और जेपी नड्डा खुद बंगाल में पहुंचे हुए हैं, 2 दिन के दौरे पर हैं और ऐसे में जो कार्यकर्ताएं हैं, जो वहां पर तमाम बीजेपी के दिग्गज हैं, उनको जीत का मंत्र वो सौंप रहे हैं और कह रहे हैं कि 35 से ज्यादा सीटों का इस बार लक्ष्य रखा गया है। कोई डर आपके मन के भीतर राम प्रकाश पांडे जी? डर नहीं है, ऐसे है कि इससे पहले जो विधानसभा 2021 में आया था तो उन्होंने लक्ष्य रखा था, बड़ा बड़ा बोले थे कि 200 पार, 77 में ही रुक गए थे और हमने कहा था कि डबल डिजिट क्रॉस नहीं करने देंगे, तो इस बार भी हम कर रहे हैं कि 10 से नीचे रहेंगे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का काम बोलता है, हमारा रिपोर्ट कार्ड बोलता है, ममता बनर्जी की घर घर पर तक काम गया है और दावे किसे कहते हैं कि 10 से नीचे रहेंगे। चलिए ठीक है, जो दावे आप यहाँ पर कर रहे हैं उसमें भी बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है, 2024 अब एकदम बेहद नजदीक है और ऐसे में लोकसभा चुनावों में क्या कुछ रिजल्ट रहेगा वो भी सभी को पता चल जाएगा। राम प्रकाश पांडे जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो बीजेपी का मिशन 2024 और पूरी तैयारियों में जुट चुकी है इस वक्त बीजेपी। बंगाल के दौरे पर हैं अमित शाह और जेपी नड्डा, कई विशेष अतिथि हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोकतंत्र में और एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय भी आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक निरंजन पौदार जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत निरंजन जी आपका।
निरंजन जी, इससे पहले हम चर्चा कर ही रहे थे, उस चर्चा में आप शामिल नहीं थे, आप अभी ब्रेक के बाद शामिल हुए हैं। एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये भी कि सपा या अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का वर्चस्व स्थानीय चुनाव में अधिक होता है, जनता आम चुनाव में उनकी तरफ कम झुकती है, लेकिन कांग्रेस के नाम पर क्षेत्रीय पार्टियों का वोट इकट्ठा हो सकता है, आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए रेश्मा जी, अगर हम बात करें भारतीय राजनीति की 2024 के चुनावों को लेकर के, तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि कोई भी पार्टी चुनाव तब जीतती है कि या तो उस सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी यानी कि सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी बहुत ज्यादा हो, और या फिर जो विपक्ष है वो सरकार से बड़ा नैरेटिव जनता के सामने रखे और जनता उस चीज के ऊपर भरोसा करे, यानी कि विपक्ष उस चीज को भरोसा दिला पाए। और मेरा ये मानना है कि यहाँ पे दोनों ही चीजें कहीं ना कहीं असफल हो रही हैं। अगर हम बात करें सरकार की नाराजगी की, तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल के अंदर 5 राज्यों के चुनाव परिणाम जो आए हैं, और उनके अंदर आपने देखा होगा कि विशेषकर मैं बात कर रहा हूँ हिंदी बेल्ट की, कि 3 राज्यों के अंदर जिस तरीके से राज्य इकाइयों को भारतीय जनता पार्टी ने साइड करके और केंद्र ने अपने आप को वहां प्रस्तुत कर दिया, और उन्होंने कहा कि भाई आप हमारे चेहरे पे वोट दीजिए, और उसके बाद में जिस तरीके से बंपर वोटिंग हुई, इसका मतलब लोगों का विश्वास आज भी केंद्र सरकार के अंदर है, यानी कि नाराजगी वाली बात खत्म होगी। अब दूसरी बात आती है, वो है विपक्ष के नैरेटिव की। तो आप एक चीज देख के चलिए कि इन्हीं चुनावों का मैं फिर आपके सामने उदाहरण रखता हूँ कि जिस तरीके से चाहे जातिगत जनगणना की बात करें, चाहे महंगाई की बात करें, चाहे बेरोजगारी की बात करें, चाहे जो भी नैरेटिव इन्होंने जनता के सामने, चाहे अडानी का मामला हो, कोई भी मामला, जो सारा का सारा मामला इन चुनावों के अंदर इन्होंने, विपक्ष वालों ने अपने आप को जनता के सामने रखा, और मेरे हिसाब से जनता ने उसको खारिज कर दिया। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जब आप कोई मुद्दा लेकर के जाते हैं और उसके ऊपर अगर कोई जनादेश आ जाता है या जनमत आ जाता है, तो मेरे हिसाब से रेशु जी वहां पे आप ये मान के चलिए वो एक तरह का जनता का निर्णय माना जाता है। तो यहाँ पे अब मुझे एक बात बताइए कि 2024 के चुनावों के अंदर विपक्ष के पास अब क्या नया नैरेटिव है? अगर विपक्ष आज भी अगर उन्हीं बातों को कर रहा है, वही महंगाई, वही बेरोजगारी, वही अडानी, वही जातिगत जनगणना, तो देखिए मेरा ये मानना है कि एक आप ये मान के चलिए कि एक छूटे हुए पटाखे को दोबारा से रीलोड। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए इन 5 राज्यों के चुनावों में कांग्रेस ने सबसे बड़ा अगर मुद्दा उठाया था, निरंजन जी जी मैं आ रही हूँ आपके पास आ रही हूँ, कि सबसे बड़ा जो मुद्दा उठाया था वो ओबीसी को लेकर उठाया। अब तो ओबीसी वाला मुद्दा जो है वो भी बीजेपी ने छीन लिया, ओबीसी मुख्यमंत्री दे दिया मध्य प्रदेश में। अब कहाँ जाएंगे, अब क्या कहेंगे, इतने सारे मंत्री ओबीसी दे दिए। निश्चित रूप से रेशु जी, और इसके अंदर आपको एक चीज और मैं यहाँ पे विश्लेषण करना चाह रहा था, और वो ये है कि जिस तरीके से अब एक नया नैरेटिव सुनने में आ रहा है इन चुनाव परिणामों के बाद में, और वो ये है कि जिस तरीके से इन्होंने एक महागठबंधन बनाया जिसका नाम रखा इंडिया, यानी कि समझ लीजिए 27-28 दलों का, और ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 38% वोट लेकर के 2019 के अंदर चुनाव जीता था, और हम अब जो है ना बाकी के 62% लोग हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी रेशु जी, भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में 406 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा, जिसके अंदर 224 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी 50% से ज्यादा वोट लेकर के गई थी। तो यहाँ पे भी अगर हम इस मूल्यांकन की बात करें, और जिस तरीके से अगले 5 साल यानी कि 2019 के बाद में लगातार जैसे इन्होंने तेलंगाना में अपना वोट प्रतिशत बढ़ाया है, जैसे इन्होंने बंगाल के अंदर अपना वोट प्रतिशत बढ़ाया है, जैसे इन्होंने पंजाब के अंदर अपना वोट प्रतिशत बढ़ाया, तो आप ये कैसे मान करके चल सकते हैं कि ये वाला आपका जो फार्मूला है ये भी यहाँ पे सफल हो पाएगा? तो मेरा ये मानना है रिशु जी, किसी को मेरी बात अच्छी लगे बुरी लगे, मेरा ये मानना है कि 2024 की गाड़ी छूट चुकी है। अब विपक्ष को कम से कम इस चीज के ऊपर प्रयास करना चाहिए कि अपना वार रूम और अपना वॉरियर इस तरीके से स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि कम से कम 2024 के बाद में जो होने वाले चुनाव है उनके अंदर विपक्ष कहीं ना कहीं लड़ता हुआ या जीतता हुआ दिखे। मेरा तो केवल इतना सही विश्लेषण। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ इस पर प्रखर सिंह जी से, जिन बातों का जिक्र कर रहे थे निरंजन जी। सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर यही कि लोगों का जो विश्वास है वो हाल ही के दिनों में बीजेपी के प्रति और ज्यादा बढ़ा है, और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, क्योंकि 5 राज्यों में जिस तरीके से चुनाव हुए हमने देखा
देखा भी कि कोई मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी ने घोषित नहीं किया था। प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि हर चीज की गारंटी मैं स्वयं हूं और हर चीज की गारंटी मैं दे रहा हूं, उसको पूरा भी किया जाएगा। बंपर वोटिंग दी इन तीनों राज्यों के भीतर बीजेपी को जनता ने। आपको क्या लगता है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव में समय बचा नहीं है, लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और लोगों का विश्वास केंद्र सरकार के प्रति, बीजेपी सरकार के प्रति काफी बढ़ा है, आप लोगों ने क्या कुछ रणनीति बनाई है, इसके साथ ही क्या कुछ मंथन भी किया है कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव को जीते तो जनता पर किस तरीके से विश्वास बनाए और किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाए? देखिए, मुद्दे तो हमारे जनता के, अगर हमारी गवर्नमेंट में हम 2004 से 14 वाली में 400 रुपए का सिलेंडर दे रहे थे तो आज भी हम कहते हैं हम सिलेंडर 400 रुपए का ही देंगे। हम जनता के मुद्दे पर, महंगाई अगर चरम पर है तो हमको ये सब जो फ्यूल प्राइसेस है वो कम करनी पड़ेगी। बेरोजगारी अगर चरम पर है तो जितने पीएसयू जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी बेच रही है उनके हिसाब से तो पीएसयू को हमको वापस आना पड़ेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। जनता के लिए हम क्या लड़ते हैं, क्या मुद्दे होते हैं? रोजगार देना ही गवर्नमेंट का काम होता है, जनता को महंगाई से बचाना ही गवर्नमेंट का काम होता है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की काम होता है। ये कहते हैं हमने इतने सारे एम्स बना दिए, एम्स दरभंगा आपने देखा ऑन पेपर बना रखा है, ऐसे पता नहीं कितने सारे प्रोजेक्ट है बीजेपी प्रवक्ता आकर के चैनल पर बोल के चले जाते हैं। बीजेपी प्रवक्ता के कई सवालों को मैं जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने पहले कपिल सिब्बल जी का नाम दिया, तो कपिल सिब्बल जी अगर लॉयर है तो आपके जो लॉयर अब तो इस दुनिया में नहीं रहे, मगर उनका नाम मैं लेना चाहूंगा, अरुण जेटली जी ने भोपाल गैस कांड वाला केस लड़ा था, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बाद आपने कहा कि संजय निषाद जी पर, संजय निषाद जी ने एक भद्दी टिप्पणी करी श्री राम के ऊपर, उसके बाद आपने उनको मंत्रालय भी दे रखा है अभी तक, उस पर आप क्या करेंगे? आपका डबल स्टैंडर्ड नहीं है। उसके बाद आपने कहा भगवान राम, तो भगवान राम का मंदिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बन रहा है। अटल बिहारी जी की गवर्नमेंट में राम सेतु प्रोजेक्ट का बजट पास कर दिया था जिसमें राम सेतु काटने की बात हो गई, तो आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं? अरे शर्म करिए सब सवाल पूछने से पहले। तीसरी चीज, आप कहते हैं चुनाव की बात, तो इन चार राज्यों की अगर बात कर ले जिनका रिजल्ट अभी आया है, वोट शेयर में बीजेपी से ज्यादा है। दूसरी चीज, अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक चुनाव होगा तो साउथ में बीजेपी नहीं है, पंजाब में बीजेपी नहीं है, बंगाल में कितना बीजेपी है? तो जब पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक का चुनाव होगा तो उसमें डायनेमिक डिफरेंट होती है। स्टेट गवर्नमेंट के चुनाव और सेंट्रल गवर्नमेंट के चुनाव बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ऐसे तो पिछली बार 2018 में 5 के 5 राज्य जीते थे, इसका मतलब ये नहीं कि 2019 में रिजल्ट आपके सामने, तो अगर उसको नहीं मानते तो इसको भी नहीं मानेंगे। और इंडिया गठबंधन को आप समझना पड़ेगा, इंडिया गठबंधन वो 38 पार्टियों का नहीं है जिसका जिसमें बहुत सारी पार्टियों का एक सांसद विधायक भी नहीं है। इंडिया गठबंधन में 28 ऐसी पार्टियां हैं जो या तो अपने राज्यों में मुख्य विपक्षी दल है या सरकार में। 26 दलों का गठबंधन है, 28 कैसे हो गई? 26 दलों का गठबंधन, आपने उसमें बोलिएगा, आपने उसमें जब एक साथ इंडिया गठबंधन की पूरी वो लड़ेंगी सारी पार्टियां मिलकर के और एक कैंडिडेट होगा। तो अभी आपने उत्तर प्रदेश में घोषी चुनाव देखा ना, इंडिया गठबंधन लड़ा था, एवन और वन कैंडिडेट था, क्या रहा हुई बीजेपी की, पूरा इन्होंने मंत्रिमंडल पूरा लखनऊ। ठीक है, ठीक है, ठीक है प्रखर जी, आप जो बातें कह रहे हैं उन सब बातों को हम मान लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने निकाली और भीड़ उनके पीछे अच्छी खासी थी, लेकिन वो जो भीड़ है वो वोटर्स में तब्दील नहीं हो पाई। आप लोगों को कुछ ऐसा करना होगा लोकसभा चुनाव में कि भीड़ वो जो पीछे रहती है ना, पीछे रहे लेकिन वोटर्स में भी वो तब्दील हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। दो प्रदेश में हम गवर्नमेंट में थे, कुछ ठीक है सर, लेकिन प्रदेश खो दिए ना आपने, प्रदेश खो दिए, ये भी तो देखिए ना, वोट शेयर भारत जोड़ो यात्रा का। अरे ठीक है सर, वोट शेयर मतलब आपकी सत्ता थी वहाँ, सत्ता से आप बेदखल हो गए और अभी भी आप मतलब क्या ही बातें आप कर रहे हैं। ठीक है, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा। अब मतलब चिल्ला चिल्ला के आप सबको ये बताइएगा कि हमारे वोट शेयर ज्यादा थे, बीजेपी से ज्यादा वोट शेयर हमारा हुआ है, ठीक है हमने राज्य खो दिए तो उसमें कौन सा फर्क पड़ता है। महेश आर्य जी, हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने आपको आईना दिखाने का कार्य किया था उत्तर प्रदेश में, क्या आप कांग्रेस के साथ अपनी सीटों को बांटेंगे? अब देखिए, मैं निश्चित रूप से जान रहा था कि ये सवाल जरूर करने वाली है, क्योंकि मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो रात गई तो बात गई, जीत गया जो जीत गया, अभी उसको लेकर के हमारा कोई झगड़ा नहीं है।
अगर भारतीय जनता पार्टी झगड़ा लगाने के मूड में है तो वो चाहती है कि इस तरीके से सवाल उठाए जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का सवाल ही नहीं है सर, ये भारतीय जनता पार्टी का तो सवाल ही नहीं है ना। देखो जी, इतना कमेंट मैं करूंगा कि काश वहाँ अगर इंडिया लड़ता तो नतीजे कुछ और होते, तस्वीर कुछ और होती, लेकिन इंडिया गठबंधन नहीं लड़ा और ये गलती हुई तो गलती को स्वीकार कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने। अब लोकसभा की बात करो, कांग्रेस ने स्वीकार कहाँ किया है? आप तो खुद से ही कह रहे हैं कि कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया है कि गलती हुई है। मेरी गलती तो निश्चित रूप से आप देखे रहे वहाँ, तो ये तो आप अपने मन से ही कह रहे हैं ना सर। कांग्रेस में बताइए किसने कहा है कि हाँ हमसे गलती हुई है? नहीं, गलती नहीं है तो सरकार से कहा है? सरकार से तो भाजपा आ गई, चलिए वो चीज अपने पहले कह दिया कि मतलब ये अच्छा है आप लोगों का कि कोई भी चीज हो बस जो ठीकरा है वो पूरा बीजेपी के ऊपर फोड़ देना चाहिए। अभी देखिए, अभी मैं पढ़ रही थी तो अभी मैं खबर देख ही रही हूँ, बल्कि इसमें लिखा है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो विवादित बयान दिया है, सपा के कई नेता कह रहे हैं कि ये बीजेपी वालों के कहने पर दिया गया है, बीजेपी वाले इसके पीछे हैं। तो भाई ऐसा है, वो 5 साल तक वहाँ रह के आए थे, हो सकता है उन्होंने ये भेजा हो, कैसे उन्होंने भी किया हो, उसी अकॉर्डिंग चल रहे हो तो मैं तो नहीं कह सकता। लेकिन इतना मैं नहीं कह दिया कि बीजेपी कुछ भी करा सकती है। एक मवेशी जिसे रोज आए दिन इतना गालियां दिलवाती है और वो किसी को नहीं बताती है, बीजेपी को और संघ को और सभी को गालियां देते हैं। आज तक उनके खिलाफ कोई NCR तक को भारतीय जनता पार्टी नहीं कराई, तो इससे कैसा तो, तो, तो ये तो ये तो वो वाली बात ना हो जाए कि घर का भेदी लंका ढावे। अगर बीजेपी ने बीजेपी ने रखा हुआ है तो वो तो बीजेपी के विभीषण हो गए ना एक तरीके से सपा में। मैं ये कहना चाहता हूँ निकाल बाहर करना चाहिए महेश जी, निकाल बाहर करिए आप लोग। मैं आपकी बात कह रहा हूँ, आपकी बात कह रहा हूँ, कितना बाहर करते हैं अभी भारतीय अभी सरकार उसमें हाउस में एक इनका सांसद जो रामवीर सिंह भदौरी एक धर्म विशेष के बारे में एक सांसद को चुने हुए सारे हमने नोटिस दिया, आपने नोटिस दिया बताइए जरा, हमने तो नोटिस दिया। क्या बकवास करते हैं आप, नोटिस देकर पूछताछ की उनसे, उसको इंक्वायरी हुई करके निंदनीय, हमारे नेता ने सदन में निंदनीय बोला, देखिए आपके नेता ने कहा बोला। ठीक है शाही जी, उनको बोलने दीजिए, बोलने दीजिए जी, आपको बोलने नहीं देंगे जी सर, बोलिए टाइम में बोले। मैं ये कहना चाह रहा था, आपने भदौरी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, आपने अजय कुमार मिश्रा के खिलाफ कोई कार्रवाई, जैसे किसानों को ड्रोन डालने का काम किया, आपने जो प्रज्ञा ठाकुर थी जिन्होंने वहाँ गालियां बकी और बोलती है कि हर घर में त्रिशूल लेकर रखना चाहिए, थोड़ी चाबी, उसको कोई कार्रवाई नहीं की, ये आपकी वो है। मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत संजीदगी है, जब मणिपुर चल रहा था उस पर उनका एक बयान नहीं आया, उनके खिलाफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ा, उसके बाद भी वो नहीं बोले, चुप्पी तोड़ी। उसके बाद ये आपने देखा होगा कि गोल्ड मेडलिस्ट जीने वाली माताओं बहनों के साथ जो अत्याचार हुआ उनको साथ न्याय नहीं किया, और वो साक्षी मलिक के तो गर्दन पे पुलिस ने किस तरीके से उनका अपमान किया, तो उसके बाद भी कुछ नहीं कार्रवाई की गई, कार्रवाई नहीं हुई सर, खबरें नहीं पढ़ते आप, चुप रही मोदी जी। क्या हुआ WFI का, शायद आपको पता ही नहीं है अभी तक, पार्लियामेंट बना है रेशु जी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के सिफारिश पे दो बैंड कूद जाते हैं नौजवान और सुरक्षा खड़ा खतरा खड़ा करते हैं, उस पर गृह मंत्री जी जवाब देने नहीं आए और कम से कम 150 सांसद को निलंबित कर दिया, इन्होंने अपनी घर की जागीर समझ लिया उसको। ठीक है, हर चीज का जवाब आप लोगों को बस गृह मंत्री से चाहिए या प्रधानमंत्री से चाहिए। ठीक है सर, आपकी बात कंप्लीट हो गई हो तो मैं जवाब ले लूं सर, मैं जवाब ले लूं शाही जी से। ठीक है सर, वो इतने सारे मुद्दे आपने एक साथ उठा दिए, वो भूल जाएंगे इतने सारे सवाल आपने उठा दिए हैं, एक करके जवाब देने दीजिए उनको, शाही जी जवाब दे दीजिए जो भी आपको याद हो। अब महेश जी हमारा समय आ गया है, अब थोड़ा सा धैर्य से दीजिए, जरूर इंटरप्ट करूंगा एक बार। नहीं नहीं सर, सर जवाब देने दीजिए, एकदम कर दीजिएगा, एकदम करिए भाई, कहा नहीं करेंगे आप, एकदम करना चाहिए क्योंकि सत्य तर्क तो आपके पास है नहीं। देखिए भदौरी जी को भारतीय जनता पार्टी ने, अरे ठीक है महेश जी बोलने दीजिए, ऐसे मुझे लगता है निंदा की समय समय धीरे धीरे बीत रहा है, मुझे 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 क्लोजिंग भी करनी होगी, इसलिए बोलने दीजिए। चलिए करते रहिए। देखिए भदौरी जी का के लिए हम लोगों ने माननीय राजनाथ जी ने निंदा किया, उनको नोटिस दिया गया, इन्होंने महेश आर्य जी आप जवाब नहीं सुनना चाहते हैं क्या?
महेश आर्य जी जवाब नहीं सुनना चाहते हैं ये बता दीजिए, अगर अगर आपको सुनिए अगर आपको जवाब नहीं सुनना है तो मैं निरंजन जी से बात कर लेती हूँ। मैं समझ गई कि आपको जवाब नहीं सुनना है, आपको सिर्फ सवाल पूछने थे, आपको जवाब नहीं चाहिए। उनको सुनना नहीं है ना शाही जी, उनको सिर्फ सवाल करने थे, उनको जवाब सुनना ही नहीं है। संस्कारों की बात होती है, आपने रोका मैं रुक गया। सिर्फ एक मिनट है, सिर्फ एक मिनट मेरे पास है। महेश आर्य जी आपको जवाब लेना है हाँ कि नहीं। महेश आर्य जी चलिए मुझे समझ में आ गया, सिर्फ आप सवाल पूछने के लिए लगातार शोर कर रहे हैं, आपको जवाब नहीं चाहिए। निरंजन जी मेरे पास समय का अभाव है, इसलिए चलते चलते आखिरी सवाल मैं आपसे ही करना चाहूंगी क्योंकि शाही जी को तो ये बोलने नहीं देंगे। मैं इनसे तेज में चिल्ला सकता हूँ, ऐसा नहीं है रेसू जी। समाजवादियों की आवाज तो जनता ने दबा रखी है, तर्क है नहीं, तथ्य है नहीं, लेकर घूम रहे हैं सब। क्यों नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को निष्कासित करें, क्यों नहीं करते? अखिलेश जी का बयान आया नहीं आया हमारे यहाँ? अगर बिजली जी के बयान पर आपत्ति है तो हमें नोटिस दिया उनको, उनके लिए निंदनीय है, हम लोगों ने निंदा प्रस्ताव किया। तो ये समाजवादी पार्टी क्या करेगी? समाजवादी पार्टी राम भक्तों की हत्या करने वाले दल के लोग हैं ये, और वो लोग पानी को राम जन्मभूमि का मंदिर बन रहा भव्य। अच्छा क्या फायदा हुआ? मुझे ये समझ में नहीं आया कि क्या फायदा हुआ। एक साथ आप दोनों लोग बोलते रहे, किसी को कुछ समझ में तो आया नहीं। आप क्या कह रहे हैं और आप क्या जवाब दे रहे हैं? कुछ निष्कर्ष निकल पाया क्या सर? नहीं निकलेगा। कोई फायदा हुआ क्या? समय ही बर्बाद हुआ, समय की बर्बादी के अलावा तो कोई निष्कर्ष निकल नहीं पाया। अब ये संस्कारों का वो है कि समाजवादी पार्टी के संस्कार क्या है, भाजपा के संस्कार क्या है, वो सरकार देख लिए नहीं, वो दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ये विचलन जो है ना, ये राम मंदिर का नतीजा है। अभी आप लोगों ने एक रखा हुआ है कि बोलो राम जी का विरोध करो, भाजपा की राम जी का विरोध करो। और हम अपने प्रखर भाई को बता दें कि संजय निषाद जी ने माफी मांग लिया था, इस बात पर आपने ध्यान नहीं दिया था, इसको जोड़ने के बाद आपके आंसर सही माफी का। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लोकतंत्र में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार।